क्या मामला है, आपने प्रिंसिपल के ऊपर आरोप लगाया, क्या मामला? सर वो हमारे घर बहुत पहले आते थे और वो हम लोग से बहुत गंदी गंदी बातें करते, घर में कोई नहीं रहता था, हम तीन बहनें हैं, वो हमारे घर में बैठे रहते थे, हम लोग से बहुत गंदी गंदी बातें करते थे, सेक्स के बारे में कहते थे, और मेरी बहन से तो एक दिन कह रहे थे कि तुम किसे सेक्स करवाती हो, ये सब बहुत गंदी गंदी बातें। और कल हम लोग स्कूल आए थे तो हम लोग को जबरदस्ती अपने रूम में बैठा रखा था और कह रहे थे शाम तक रुको, और हम लोग जाने के लिए कह रहे थे तो हम लोग को डंडे दिखा रहे थे और कह रहे थे तुम्हारा वो कर देंगे, फेल कर देंगे तुम लोग को, पास नहीं होगे, तुम लोग को स्कूल से निकाल दे। पहले भी कुछ शिकायतें मिली टीचरों के साथ? हाँ बिल्कुल, यहाँ बोर्ड परीक्षाओं के दौरान जो महिलाएं कर्मचारी महिलाएं टीचर थीं, महिलाएं टीचर, उनके साथ भी इन्होंने बहुत अभद्रता से बात करी और उनसे उनका फ़ोन नंबर मांगते थे, उनका एड्रेस पूछते थे और उनसे उनकी पूरा बायोडाटा जानकारी ले लेते थे कि आप घर में कौन कौन है कौन कौन नहीं है, आप हमको शाम को चाय पे घर पे बुलाइए, आप मटर पनीर बनाइए है, और आपके आपके आगे पीछे कौन है, ये पूरा जानकारी लेने के बाद पहुँच जाते थे यहाँ। जब ड्राइंग की परीक्षा चल रही थी तब वहाँ कॉलेज में ही क्लास में ही लड़कियों से नंबर लिए, उनके कॉन्टैक्ट नंबर लिए, उनका नाम लिया और उनसे कहा कि हम शाम को आपके घर आएंगे और आपको पढ़ाएंगे और आपको 80,000 की नौकरी देने का मैं वादा करता हूँ। इस तरह से उनको तमाम प्रलोभन दिए लड़कियों को और ये कहा कि नहीं ऐसा होता है तो फिर हम आपको फेल कर देंगे, हम बहुत अच्छे टीचर अपने बारे में बताने लगे। नेशनल कॉलेज की कुछ छात्राओं ने अपने प्रिंसिपल पर आरोप लगाया। नेशनल इंटर कॉलेज की कुछ छात्राओं ने आरोप लगाया है कि कल वो रिजल्ट लेने के लिए गई थी तब वहाँ के प्रिंसिपल द्वारा कुछ उनके साथ में क्या कहते हैं गलत बातें की गई हैं, अश्लील बातें की गई हैं, और उस आशय का उन्होंने एक प्रार्थना पत्र भी दिया है और प्रार्थना पत्र कोतवाली में प्राप्त हो गया है और उस पर आगे की जो भी विधिक कार्रवाई बनती है कराई जाएगी। कुछ नाबालिग छात्राएं भी हैं इसमें? इसमें फिलहाल जो तीन छात्राओं ने दिया है क्या कहते हैं प्रार्थना पत्र, वो तीनों नाबालिग हैं।